Hey guys, this is Mukesh. Well, today in this video, we are going to learn these types of sentences. As you can see on the screen, however, let me tell you, तुम एक नंबर का डरपोक हो, वह एक नंबर का कंजूस है, वे लोग एक नंबर का पागल है, उसका भाई एक नंबर का चोर है, तुम्हारे चाचा एक नंबर का मूर्ख है। वेल माई डियर दोस्तों, इस तरह का सेंटेंस का इंग्लिश में कैसे बोलिएगा? बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर की। सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करना है, आई वी यू दे ही सीट नाम सिंगुलर एंड प्लुरल नाउन, जो भी सब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट को राइट कर देंगे। सब्जेक्ट को राइट करने के बाद राइट करेंगे ईच एम आर में से कोई एक, जो भी आएगा उसके साथ वो लगा देंगे। ठीक है, आपको पता ही है ईच किसके साथ लगता है, एम किसके साथ लगता है और आर किसके साथ लगता है। उसके बाद राइट करेंगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को राइट करने के बाद लगाएंगे ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, मतलब एक नंबर का इंग्लिश होता है ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, तो ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लास्ट में लगा देंगे। आइए सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं और उसको सीख लेते हैं किस तरह से इसको बनाया जाता है। वेल डियर दोस्तों, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है एक नंबर का डरपोक हो। सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करें, सब्जेक्ट है यू, उसके साथ यू के साथ आर लगेगा, यू आर टिमिड या यू आर कोवार्ड। डरपोक को टिमिड या कोवार्ड दोनों बोलते हैं, जो भी आप बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। चलिए हम लोग टिमिड बोलते हैं, यू आर टिमिड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, यू आर टिमिड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। यदि इसको कॉन्ट्रास्ट दिखाएंगे, मिला देंगे तो यू आर को पढ़ते हैं यूर, योर टिमिड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, योर टिमिड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। नेक्स्ट सेंटेंस, वो एक नंबर का कंजूस है। वेल, कंजूस को बोलते हैं माइजर, तो क्या बनेगा, ही इज माइजर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ही इज को मिलाएंगे तो जगह ही इज माइजर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ही इज माइजर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। नेक्स्ट सेंटेंस, वे लोग एक नंबर का पागल हैं, दे आर मैड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, दे आर मैड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। नेक्स्ट सेंटेंस, उसका भाई एक नंबर का चोर है। यदि यहाँ पर किसी लड़की का भाई है तो जगह हर ब्रदर, यदि कोई लड़का का भाई है तो हीज ब्रदर, चलिए यहाँ पर हीज ब्रदर ही कर देते हैं। उसका भाई, हीज ब्रदर इज अ थीप ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, हिज ब्रदर इज अ थीप ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। नेक्स्ट सेंटेंस, आखिरी सेंटेंस है, तुम्हारे चाचा एक नंबर का मूर्ख है, योर अंकल इज फुलिश या योर अंकल इज फूल भी बोल सकते हैं और फुलिश भी बोल सकते हैं। योर अंकल इज फूल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, योर अंकल इज अ फूल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। वेल फ्रेंड्स, आपको ये सेंटेंस कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह का बेहतरीन स्ट्रक्चर आप सीख सके और डेली लाइफ में उसका यूज कर सके और कमाल कमाल का इंग्लिश सीख सके।